नगर निगम रिसाली क्षेत्र के मरोदा सेक्टर स्थित इस्पात क्लब में रास गरबा का निःशुल्क प्रशिक्षण वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री सरिता साहू, अन्नू गोस्वामी एवं संध्या के मार्गदर्शन में दिया जा रहा है। रास गरबा प्रशिक्षण के तीसरे दिन दुर्ग जिले की रक्षा टीम उतई थाना प्रभारी निरीक्षक मोनिका पांडे के साथ उपस्थित हुई और रास गरबा के दौरान महिलाएं अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रखे सहित किसी भी आकस्मिक घटना या दुर्घटना के दौरान संयम से काम लेने के बारे में जानकारियां दी। उतई थाना प्रभारी मोनिका पांडे ने प्रशिक्षण केंद्र पर मौजूद महिलाओं को आत्म सुरक्षा संबंधित जानकारी दी। निःशुल्क रास गरबा प्रशिक्षक की जानकारी सरिता साहू ने कुछ इस प्रकार से दी है। मोनिका पांडे जी के साथ में उनकी रक्षा टीम आई थी, उन्होंने गरबा के समय में गरबा के साथ साथ में महिलाएं अपना आप को कैसे सुरक्षित रखें इसके बारे में उन लोगों ने महिलाओं और युवतियों को जानकारी दी है। दो दिन और बचा है, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि आइए प्रशिक्षण लीजिए। बहुत सफल रहा है हमारा कार्यक्रम और रहेगा। उसके बाद आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर मरोदा क्लब में गरबा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ की टीचर हैं वेणु वर्मा और विवेक जी, इन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है महिलाओं को। और बहुत सी महिलाएं अपने घर से निकल कर आई हैं, क्योंकि दो साल भाभी जी ने बताया, सरिता भाभी जी ने, कोरोना के कारण कोरोना काल में कोई निकल नहीं पाया है, गरबा हुआ नहीं है, तो इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और गरबा मुझे लगता है कि बहुत जोरदार होगा। और शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? शहरवासियों से ये अपील है, आज हमारी सुरक्षा टीम आई थी, हमने मरोदा क्लब में गरबा प्रशिक्षण करवाया है। और सबसे खास बात इस गरबा प्रशिक्षण की कि बिल्कुल निःशुल्क है, और इसमें हमारे टीचर वेणु वर्मा जी, विवेक सर भरपूर सहयोग कर रहे हैं, और सब प्रशिक्षण में बहुत सी बच्चियाँ महिलाएँ हर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। और आज हमारे गरबा में नेवई थाने से मोनिका पांडे जी आई, उन्होंने सुरक्षा टीम आई और उन्होंने सभी महिलाओं को अपनी सुरक्षा के अलग अलग टिप्स दिए हैं, और हमारा गरबा प्रशिक्षण का कार्यक्रम सफल रहा। आज प्रशिक्षण का कौन सा दिन है? आज हमारा तीसरा दिन है। दुर्ग पुलिस और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के अनुसार अभी जब भी नवरात्रि शुरू होएगा तो उसमें जो गरबा डांस की प्रतियोगिताएं या गरबा डांस हर पंडालों में जहाँ चलेगा वहाँ पुलिस, लोकल पुलिस तो जाएगी, सिविल ड्रेस में भी पुलिस स्टाफ रहेगा, और हमारे दुर्ग जिले की रक्षा टीम है वो खुद ही सजग रह के हर जगह पेट्रोलिंग करेगी, महिला पुलिस अधिकारी और सब लोग हम लोग इन्वॉल्व रहेंगे। सुरक्षा के सारे चीज़ों को उस प्रबंधक को भी नोट कराया जाएगा जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीम को, कि आपको सुरक्षा के किन किन उपायों का ध्यान रखना है, वो उनका पालन करेंगे। यदि उनसे कोई कमी होती है तो फिर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस बार सख्ती से नियम का पालन किया जाए, महिलाएं सुरक्षित अपना भगवान का दर्शन करें और अपना एंजॉय करें। जो बच्चे हैं और जो भी बूढ़े माताएं बहनें आ रही हैं सब गरबा को एंजॉय करें, सुरक्षित रहें।